अश्विन शुक्ल पक्ष के शारदीय नवरात्रि में गरबों का रंग चढ़ने लगा है और दुर्गा पांडालों में रोज नए नए थीम आधारित गरबे इस बार देखने को मिल रहे हैं। शारदीय नवरात्रि में हर कोई मां की भक्ति में लीन नजर आ रहा है। हर दुर्गा पांडालों में गरबों की धूम मची है। सनातन धर्म में नवरात्रि पर शक्ति की साधना का बहुत अधिक महत्व होता है। बैठमा नगर के प्रसिद्ध पुरातन माँ अन्नपूर्णा व माँ अमन चमन माता मंदिर में माता रानी के भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। भक्त सुबह से ही माता रानी के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। शाम को अन्नपूर्णा मंदिर व पंडालों में भव्य आरती होते ही गरबों का दौर शुरू हो जाता है, जहां बालिकाएं एकल नृत्य व सामूहिक गरबों की रंगारंग प्रस्तुति दे रही है। नगर के आवास कॉलोनी, नर्मदा नगर, पूरा बाजार, मंत्री नगर, सोसाइटी रोड, त्रिवेणी चौक, कचहरी घाटी सहित समस्त दुर्गा पंडालों में भक्तों का जमावड़ा दिखाई दे रहा है, जहां होने वाले सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दर्शकों को आकर्षित कर रही है। नगर के प्रसिद्ध मां अन्नपूर्णा मंदिर में 16 अक्टूबर बुधवार को विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है। वहीं रविवार को बैठमा नगर में मां अन्नपूर्णा के भक्तों द्वारा विशाल चुनरी यात्रा निकाली गई। चुनरी यात्रा के दौरान मधुर गीत संगीत की धुन पर थिरकते हुए गरबा मंडली के साथ कन्याएं अपने सर पर कलश लेकर चल रही थी। चुनरी यात्रा नगर के विभिन्न मार्ग से होती हुई मां अन्नपूर्णा मंदिर पहुंची, जहां भक्तों द्वारा माता को 151 फीट लंबी चुनरी 14वें वर्ष भी भेंट की गई। चुनरी यात्रा का नगर में जगह जगह विभिन्न मंचों से व व्यक्तिगत रूप से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बैठमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। माँ अन्नपूर्णा भक्त मंडल के द्वारा बैठमा नगर के अंदर चुनरी यात्रा निकाली गई है। यह चुनरी यात्रा पिछले 14 वर्षों से बैठमा नगर के विभिन्न स्थानों से होती हुई और बैठमा नगर के सभी भक्त जनता द्वारा उनका हार्दिक स्वागत किया जाता है। चुनरी यात्रा का यह चुनरी यात्रा बैठमा नगर की अमन शांति के लिए निकाली जाती है। मैं माँ अन्नपूर्णा भक्त मंडल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि जो आज तक बिना रुके और बिना हर प्रतिवर्ष अनुसार ये चुनरी यात्रा निकालते हैं। जय श्री महाकाल, भारत माता की जय। प्रणाम निभाम सतांग मुकुटा रत्न प्रभासुरा नाना वस्त्र विराजतां त्रिनयनां भूमि रमाभ्याजितां देवी हाटक भाजनम सतदी रम्योस्तवी नस्तनी नित्यम तमसेव महाकलाय मृदा ध्याये श्री अन्नपूर्णेश्वरी। आज नवरात्रों में अश्विनी शुक्ल पक्ष में चतुर्थी का समय माँ भगवती कुष्मांडा का स्वरूप है। आज भक्तों के द्वारा यहाँ चुनरी यात्रा का आयोजन रखा गया है। सभी भक्तों पर माँ भगवती अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहे, धन धान्य से सबसे परिपूर्ण रखे। सबको जय माता की। जय माता। सर्वप्रथम समस्त नगरवासियों को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। थाना बैठमा अंतर्गत नगर के प्रमुख स्थानों पर माता जी की स्थापना की गई और गरबों का आयोजन किया जा रहा है। माता जी की स्थापना एवं गरबा स्थलों की सुरक्षा हेतु थाना बैठमा द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस लगाई गई है। निर्भया मोबाइल के माध्यम से महिला पुलिस अधिकारियों को लगाकर महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है
और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। असामाजिक तत्वों द्वारा यदि कोई अवैधानिक गतिविधि की जाती है तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको जो है जेल भेजने की भी कार्रवाई की जाएगी। थाना बेटमा द्वारा नगर के सभी संवेदनशील स्थानों की, नगर के सभी पंडालों की एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी दुर्गा माता प्रतिमा स्थलों की एवं गरबा स्थलों की लगत सतत पेट्रोलिंग कर निगरानी की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है। सभी जगह जो है पुलिस की तीखी नज़र है और पैनी नज़र पुलिस द्वारा रखी जा रही है। कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना की स्थिति निर्मित नहीं होने दी जाएगी, ऐसी व्यवस्था पुलिस बेटमा द्वारा की गई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।